हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग मैंने अपने गैस चूल्हे से स्टार्ट किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो है चूल्हे की क्लीनिंग हो रही है। इसकी जो रिंग है ना, बहुत येलो हो गई है, तो मैं जो है ना इसको एल्युमिनियम का जो काता आता है ना जाड़ा वाला, उससे जो है ना अच्छे से स्क्रब कर रही थी, कर भी दी मैंने। बहुत मैशी हुए थे एकदम, इससे येल्लो पड़ गए थे। और उसके बाद फिर मैंने सॉफ्ट काता लिया स्पॉन्ज वाला, और उससे जो है ना अपनी चूल्हे की जो ये ग्लास है वो मैं स्पंज वाले काता से जो है अच्छे से रब कर रही हूँ। वैसे मेरा चूल्हा साफ़ है, लेकिन जो रिंग है ना वो बहुत गंदी थी, बस उसे ही मुझे जो है ना साफ़ करना था, और मैंने कर दिया। बस अभी वाइप करके ले लूँगी, ज़्यादा मुझे काम को बढ़ाना नहीं है, बस जगह पे साफ़ कर लो और जगह पे ही जो है ना पोंछ लो अच्छे से। अब मैं अपने चूल्हे को जो है ना कवर करने वाली हूँ, कैसे तो आप लोग देखिए। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है फॉल पेपर, जो मेरी चूल्हे की जो रिंग है ना, चारों रिंग, उस पे जो है ना मैं अच्छे से उस रिंग को इससे रैप कर लूँगी, यानी कि फॉल पेपर जो है ना मैं इस रिंग पे लगाने जा रही हूँ। क्यों लगाने जा रही हूँ? क्योंकि ये जो रिंग है ना येल्लो नहीं पड़ेगी दोबारा से, साफ़ के साफ ही रहेगी। हाँ, जिस दिन मुझे क्लीन करना होगा उस दिन मैं हटा कर ये रिंग फिर से साफ़ करूँगी। वैसे उतनी गंदी होगी नहीं कि मुझे साफ़ करने की नौबत पड़े, लेकिन कभी कभार तो निकाल के साफ़ करना ही होगा ना। बस फॉल पेपर इसीलिए लगाया है कि बार बार जो है वो रिंग जो है मुझे घिसनी ना पड़े, और मेरी जो रिंग है वो ज़्यादा गंदी ना हो, जिससे मुझे ताकत लगा के जो ये रिंग को घसना पड़े। तो बस इस तरह से जो है मेरे चारों बर्नर पे जो है ना इस तरह से फॉल पेपर लगा देना है। तो मेरे चूल्हे पे जो है ना रिंग है स्टील की, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा भी रही हूँ, बस वो रिंग रख दी, उसके ऊपर ये फॉल पेपर मैंने लगा दिया कुछ इस तरह से। अगर आपको भी ऐसा करना हो तो कर सकते हैं, इससे क्या ना कि अपना जो चूल्हा है वो ज़्यादा मैशी नहीं होगा। और अक्सर जो स्टील का जो ये रिंग होता है ना, ये देखिए, हम गैस चूल्हा हमारा ऑन रहता है तो क्या ना कि उसकी जो आँच होती है ना, उससे स्टील जो है ना जल्दी से काला पड़ने लगता है, या तो फिर लाल होने लगता है, तो अच्छा नहीं लगता है। कितनी बार तो ऐसा भी हुआ कि वो लाल होता है, लेकिन कितना भी इसको रब करो अच्छे से घिसो जान लगा के, तो भी वो येल्लोपन जो लालपन होता है ना नहीं निकलता है। लेकिन खैर, उतना तो मेरा नहीं हुआ है क्योंकि मैं बहुत ध्यान देती हूँ, लेकिन मैंने वैसा नहीं करना, मतलब कि उतना लाल नहीं करना। उससे पहले ही जो है ना मैंने अपनी चूल्हों को जो है ना रिंग से पैक कर लिया, यानी कि इसको कवर कर लिया अच्छे से। यहाँ पर मैं आपको अपनी टाइल्स बता रही हूँ, यहाँ पर मैं लगाने वाली हूँ स्टिकर। तो ये स्टिकर जो है ना मैंने अभी ऑनलाइन मंगाया, मतलब 2-3 दिन पहला ही मैंने मंगाया था, तो ये जो है ना अब पार्सल आया है, कल रात में आ गया था। तो ये कुछ इस तरह से है, और इसकी जो लंबाई है ना बहुत है, चौड़ाई में ये कम है। तो अब देखते हैं इसे कैसा लगाना है, कैसा करना है, क्योंकि ये स्टिक वाला है, इसे जो है ना चिपकाना होगा मेरे को। लेकिन उससे पहला मैं नाश्ता बना लूँ, तो नाश्ते में मैं बनाने का सोची कि मैं ना उपमा बनाऊँ। तो सबसे पहला मैं यहाँ पर जो है ना रवा भून रही थी, उपमा बनाने के लिए ना मोटा वाला रवा ले, बहुत अच्छा उपमा बनता है, एकदम दानेदार। लेकिन दानेदार तब बनता है जब रवे को अच्छे से भूनो। तो यहाँ पर चॉपिंग कर लेते हैं, टमाटर, प्याज, करी पत्ता, हरी मिर्ची, धनिया, ये सब मैंने निकाल लिया। लो मीडियम फ्लेम पर जो है ना रवे को अच्छे से भून लेंगे, स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल आनी चाहिए इस रवे से। तो बस इसे अच्छा सा ब्राउन ब्राउन सा मैंने इस रवे को भुना है, और इसको एक प्लेट में निकाला है। इसी में मैं तेल ऐड कर रही हूँ, और इसमें मैं कड़ी पत्ता, सेंग दाना, मूंग दाल, ये सब मैंने तेल में डाल दी थी। उसी के साथ जो है ना मैं इसमें प्याज और हरी मिर्ची भी ऐड करूँगी। उपमा बनाते हैं ना तो इसमें प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि प्याज से जो है ना उपमा ज़्यादा अच्छा बनता है। सेंग दाना एंड मूंग दाल जो मैंने डाली है ना प्याज के साथ, मैं इसको पहले अच्छे से भून लूँ, और क्या ना कि प्याज तो भुनी ही जाएगी, साथ में हरी मिर्ची, कड़ी पत्ते को भी जो है ना अच्छे से तड़का लग जाएगा, इनके अच्छे से फ्राई हो जाएगी। और यहाँ पर जो है रवा ठंडा हो चुका था, और ये है स्टफिंग बची हुई कबाब की, आज मैं कबाब भी जो है फ्राई करूँगी। खैर, यहाँ पर टमाटर एंड मैंने धनिया ऐड कर लिया, हल्दी डाल दी, और इसको अच्छे से फिर पका देंगे, क्योंकि हल्दी की कच्ची स्मेल होती है। तो बस मसाला अच्छे से भून लिया है मैंने, और टमाटर भी जो है ना अच्छे खासे मैंने डाले इसमें, मतलब कि आधा टमाटर ही डाला, लेकिन बड़ा टमाटर था। तो बस
एक कप के करीब कुछ ये रवा होगा, उस हिसाब से मैंने मसाले ऐड किए। अच्छा, भुना हुआ रवा मैंने मसाले में मिक्स किया, उसके बाद इसको एक दो मिनट तक मसाले के साथ रवे को भुना। पानी मैंने इसमें पूरा एक गिलास भर के डाला और ढक करके जो है ना पकने रख दिया रवे को, सॉरी उपमा, उपमा को मैंने स्लो फ्लेम पे पकने रख दिया है। यहाँ पर जो है ना मैं कबाब जो है बना के ले लूँगी। यहाँ पर जो है ना मैंने इसे छोटे छोटे से कबाब बना लेने हैं, पतले पतले से बनाने हैं, मिनी मिनी से, और बस मैंने इतने ही कुछ फ्राई करने हैं। बाकी का मैंने स्टफिंग रख दिया है, क्योंकि मैं दोपहर के खाने में जो है ना मतलब कुछ बनाऊँगी तो उसके साथ कबाब खा लेंगे, इसके लिए मैंने स्टफिंग आधी रख दी। और यहाँ पर देखे मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया उपमा पे और इसको मिक्स करेंगे और ये तैयार है बिल्कुल खाने के लिए। चलिए इसको सर्व करते, क्योंकि उपमा जो है ना गर्म ही अच्छा लगता है खाने को। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग अचार खाते हैं उपमा के साथ, तो मैंने अचार ले लिया। बच्चे लोग स्कूल गए हुए हैं तो इसके डैडी और मैं जो है ना खाएंगे, और बहुत बहुत टेस्टी लगता है उपमा, बहुत अच्छा लगता है यार। खाली पेट होना तो फिर उपमा खाओ, बहुत मज़े का लगता है, दो बार तो बंदा ले ही लेता है अगर खाली पेट हो तो। बस यहाँ पर कबाब भी जो है फ्राई हो गई थी, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं नाश्ते में आज कबाब खाऊँ, इसके लिए मैंने फ़्राई किया हुआ है। नहीं तो प्लान था कि मैं दोपहर के खाने में आज कुछ सादा सिंपल सा बना लूँगी और उसके साथ है ना कबाब ही फ्राई करूँगी। खैर दोपहर में फिर फ्राई करेंगे, लेकिन अब हो रहा था मन तो फिर कबाब खा लेंगे अभी। तो बस यहाँ पर मैंने उपमा कुछ इतना सा ही लिया था, इतना काफ़ी मेरे लिए, और कबाब मैंने दो तीन लिए थे। चलिए मेरा सुबह का नाश्ता तो हो चुका है, अब जो है ना चूल्हा जो है साफ़ कर लेते, क्योंकि कबाब फ्राई किए फिर तड़का वड़का दिया हुआ था मैंने उपमा को, तो उसका ऑयल वगैरह का छींटा आ ही गया था चूल्हे पे, तो वो मैं वाइप करके ले रही हूँ। और यहाँ पर जो है कढ़ाई में तेल है, तो मैं इसको पहले ठंडा करूँगी, बाद में जो है ना इसको एक अलग से बर्तन में निकालूँगी इस तेल को। और अभी चलिए मैं यहाँ पर आपको बता रही थी मेरा प्लेटफॉर्म टाइल्स वगैरह, यहाँ की जो स्पेस मैंने खाली कर दी, मतलब साइट में वहाँ की सारी चीज़ें मैंने कर ली। और इसके डैडी को बोला कि तुम मुझे ये स्टिकर लगा के दो ताकि मैं वीडियो बना सकूँ और वो स्टिकर लगा सके और ये स्टिकर ना भाई बहुत एकदम अच्छे से लगाना होता है, अगर ज़रा भी इधर उधर हुआ ना तो इस पर झुर्री आ जाती है, और फिर झूरी आ गई तो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखते हैं अब कैसा लगता है, या फिर बोलूँ कैसा लगेगा। इसके डैडी ने हेल्प तो की है मेरी, ये देखे कुछ इस तरह से लगा हुआ है, बिल्कुल रियल लग रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये स्टिकर है, ऐसा लग रहा था कि ये ओरिजिनल टाइल्स लगी हुई है किचन पे, बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पर है ना एक गड़बड़ हो गई, क्या हो गई बताती हूँ, ये स्टिकर जो है ना कम पड़ गया, ये देख सकते हो आप। लगाना तो मुझे बस यही इतना ही सामने से था, लेकिन इतना साइड जो है ना बच गया, ये देख सकते हो आप। यहाँ पर जो है ना इतनी साइड मैंने छोड़ दी, अब वो अच्छा नहीं लग रहा, आधा अधूरा सा लग रहा है। तो फिर मैंने क्या किया कि फटाफट से जो है ना मीशो पर जाके दूसरा भी ऑर्डर कर लिया, सेम मैंने मंगवाया है, ये देखिए अब तीन चार दिन में जो है ना आ जाएगा वापस। तो फिर इंशाल्लाह जब आएगा तब जो है ना इसको मैं पूरा अच्छे से कम्प्लीट करूँगी। अच्छा, मैंने सोचा था कि मैं दोपहर के खाने में ना दाल दूधी बनाऊंगी, क्योंकि दूधी मेरे पास रखी हुई थी, दो दिन पहले ही मैंने लाई थी, बट वो ख़राब हो गई, जैसा कि आपने देखा एकदम से काली पड़ गई। मैंने तो अच्छे से रैप करके रखा बट फिर भी वो ख़राब हो गई। खैर फिर उसके बाद मेरा मूड ऑफ हो चुका था, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं दाल दूधी ही बनाऊँगी, क्योंकि दूधी थी जैसा कि बोला मैंने, लेकिन उसके बाद फिर अब ऑप्शन में कुछ था नहीं मेरे पास, तो फिर मैंने वही सोचा कि चले दालें तो रखी हुई है उसमें से एक दाल निकाल के बना लेते, तो मैंने मसूर की दाल निकाली थी और यही बनाई। ये दाल जो है ना बहुत चटपटी बनने वाली है, क्यों, क्योंकि इसमें मैंने ऐड किया हुआ है मैगी मसाला, इससे दाल जो है ना बहुत मज़े की बनेगी, बनती है, आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करें, मैगी मसाला डालें मसूर की दाल में, बनाए खाए और फिर देखें। तो ये क्लिप्स थी रात की, डिनर टाइम था, रात का खाना मैंने नहीं बनाया, दाल मैंने सुबह में थोड़ी सी बनाई थी जो कि दोपहर में ही ख़त्म हो गई थी। तो बस फिर रात के खाने में हमने क्या किया कि बाहर से खाना मंगवाया, सीख बिरयानी मंगाई, वाइट सीख बिरयानी थी, खिचड़ा था, चना वटाना था और तीखे आलू थे, ये सारा मेरा फेवरेट था, मैंने सब में से जो है ना थोड़ी थोड़ी सी बाइट ली खाई, और बस यही था हमारा रात का खाना। हम लोग आए हैं मच्छी मार्केट, वैसे देखकर तो आप समझ ही चुके होंगे, हम लोग आए हैं फिश लेने, मच्छी लेने। ये टाइम था रात के 10 बजे का, और हम लोग इस टाइम पे जो है ना फ़िश लेने आए हुए हैं। क्यों लेने आए हैं बता दूँ, मेरे अब्बा आ रहे हैं, मेरे अब्बा जान आ रहे हैं कल
तो बस उन्हीं के लिए जो है ना हम यहाँ से फ़िश ले रहे थे। और मेरे अब्बा को माशाल्लाह से फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है, आप सब भी माशाल्लाह ज़रूर से बोलिए। तो बस यहाँ से फटाफट से फ़िश ले लेंगे। और मैंने सोचा कि मैं आपको जो है ना हमारे यहाँ की मच्छी मार्केट बता दूँ। मच्छी मार्केट बोले ना तो एक ऐसा है ये कि एक कंपाउंड जैसा बना हुआ है, यहाँ पर जो है ना सारी कोली वाले बैठते हैं, हर तरह की इनके पास ना मच्छी अवेलेबल होती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करें क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग रहेगा मेरे अब्बा के साथ। फुल वॉच करिएगा, टाइम पर वीडियो देखने ज़रूर आइएगा।